नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गरियाबंद में एक बार फिर स्कूल संचालन में लाचारी और बेबसी की तस्वीर सामने आई है। जर्जर भवन होने के कारण देवभोग ब्लॉक के दावरी भाटा प्राथमिक स्कूल का संचालन पेड़ के नीचे हो रहा है। दो साल पहले यहां का भवन जर्जर हो चुका है। मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत मरम्मत की मंजूरी भी मिली थी, लेकिन काम नहीं होने के कारण इस साल भी प्राथमिक स्कूल के 40 बच्चों को पेड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाया जाता है। बारिश में जर्जर भवन के छज्जे से लगातार पपड़ियां गिर रही है, कभी स्लेब ढह सकता है। ऐसे में जन भागीदारी समिति ने पेड़ के नीचे पाठशाला लगाने का निर्णय लिया है। भवन की दुर्दशा से जिम्मेदार भी इत्तफाक रखते हैं, पर इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। दरअसल पखवाड़े भर पहले ही मैनपुर ब्लॉक में एक बेवा के पीएम आवास में स्कूल संचालन की तस्वीर हमने दिखाया था, इसलिए फजीहत से बचने के लिए अफसर अब कैमरे से दूरी बना लिए हैं। हमारा स्कूल तो जर्जर हो गया है, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पानी गिरने से हमको छुट्टी दे देते हैं और मध्याह्न भोजन खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। कितना साल से दो साल हमारा गांव का प्राथमिक शाला जर्जर हो गया। अभी उसमें कोई बच्चा अंदर पढ़ नहीं सकता, ना कोई गुरुजी अंदर जा नहीं सकता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। सब जर्जर हो गया, दलदल होकर कभी गिरने वाला है। इस कारण हमने प्रशासन को भी लिख करके दिया और फोटो खींच करके भी दिया और स्वयं लिख करके भी दिया। अभी तक के प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, ना ग्राम पंचायत नहीं सुना, ना कोई बीओ ना सीओ कोई भी हमारा वहाँ ध्यान नहीं दिया। इस कारण हमने बच्चों को बाहर कुसुम झाड़ के वहाँ पढ़ाना पड़ता है, जिस समय पानी आने से एक दो घंटा के बाद मैदान भोजन दे दे करके छुट्टी करवा देते हैं। तो कितने साल से दिक्कत है? ये दो साल से हो गया है। क्या बोलते हैं अधिकारी? होगा बनाऊंगा ऐसा करके बोलते जा रहा है, अभी तक की कोई बन नहीं पा रहा है। ठेका दे ले लिया हूँ, दे बनेगा ऐसा करके भी बोले बीओ साहब ने, तब के भी अभी तक नहीं बना। बताएंगे क्या ऐसी वजह है कि बच्चों को पेड़ के नीचे बिठा के पढ़ाना पड़ रहा है और क्या दिक्कत होता है और बिल्डिंग जर्जर है, तो इसकी जानकारी क्या उच्च अधिकारी के लिए? हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पे आप लोग से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूल के जो जर्जर अवस्था है यहाँ बिल्कुल खतरे के से खाली नहीं है। अब इस प्रकार का हम बच्चों के साथ रिक्शे नहीं ले सकते, मजबूर होकर हमको एक झाड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है। भरी बारिश में, तपती धूप में इस कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ हम लोग को भी। यहाँ तक कि हम बच्चों को अंदर भी मतलब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं, कल को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। इस प्रकार का कई प्रकार का मीडिया वाले भी आ चुके हैं और यहाँ का संधान कर चुके हैं, किंतु किसी प्रकार का अभी तक हमको किसी प्रकार का मतलब कार्रवाई उनके द्वारा किया गया जो हमको अच्छा से मतलब गांव वालों को संतुष्टि नहीं हुई और ना बच्चों को भी। अच्छा, तो विभाग को अपने अपने बीओ या सीओ को अपने विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया? हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी 23 तारीख को इस माह का 23/7/2024 को मैंने यहाँ ज्वाइनिंग लिया और मेरा प्राथमिक शाला कोदो भाटा जो मेरे को दावरी भाटा में मतलब यहाँ व्यवस्था हेतु मुझे भेजा गया है। इसके पूर्व जो है ईश्वरदास बसण जो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और अभी वर्तमान जो यहाँ के प्रधान कोदो भाटक प्रधान पाठक है जो यहाँ विभाग को मैं तो अभी तक नहीं बताए हूँ क्योंकि मेरा आज मतलब 23 तारीख से आज 30 तारीख के बीच 7 दिन महजब हो रहे, उससे ज़्यादा नहीं है जिस प्रकार अभी तक किस प्रकार मैं उनको जानकारी नहीं दिया हूँ। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, वो ये कि जैसे पानी वगैरह गिर जाता है तो बच्चों को बड़ा मुश्किल से यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा छुपा वगैरह करके मध्याह्न भोजन जैसे बनता है मध्याह्न भोजन खिला देते हैं, फिर भी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कहीं पानी कम हो जाए बोल के आमने सामने कहीं पर रख उनको इकट्ठा करके छाता वगैरह लेके। उसका जब ज़्यादा बारिश होती है तो बच्चों को छोड़ देते हैं, हम अपना सेम टाइम तक रहते हैं। क्या नाम लिखते हैं?